नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपकी दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हैं आपके अपने प्रोग्राम नई उमंग के साथ। जी हां, उमंगों का है ये प्रोग्राम जिसमें हम बातें करते हैं अपने दिनचर्या को लेकर, अपने दिन से जुड़ी हुई या अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो चलिए इन बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन्स, जी हाँ, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना एक अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना आपके लिए ख़तरनाक भी है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ में, हर सिचुएशंस में, हर चीज़ को यूज़ करने के लिए आपके ऊपर टाइम पीरियड होना चाहिए, है ना। और देख लीजिए कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ आज इतना ज़्यादा होने लग गया है कि हमें आसपास की चीज़ें या फिर आसपास के माहौल का पता ही नहीं चलता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन से तो आसपास की चीज़ें, आसपास की लोकेशंस का तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। जनाब, मैं आसपास की वो चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, आसपास की उन चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ जो बिल्कुल आपके पास होती हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस बारे में क्या बात चल रही है। अभी सब सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ जो सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसे ही सोशल मीडिया के एक ऐप पर मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई उस वीडियो को देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और आप भी कर रही हैं। मैंने वीडियो में एक चीज़ देखी कि एक छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा, जी हाँ, वो अपने पेरेंट्स का प्यार चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स, चाहे वो मम्मी हैं चाहे वो पापा हैं, दोनों ही मोबाइल फ़ोन में बिजी हैं। बच्चा रो रहा है, उनको दिख नहीं रहा। बच्चा बैठकर टॉयज़ के साथ प्ले कर रहा है, लेकिन टॉयज़ के साथ तो प्ले कर रहा है, मदर या फादर की कोई एक्टिविटी उनके साथ नहीं हो रही है। उसी तरह एक और वीडियो को देखा, जब मैंने उस वीडियो में एक बूढ़ी माँ, जी हाँ, बेड पर लेटी है, खांसी करी जा रही है, इतनी खांसी करी जा रही है, पास में बैठा हुआ पोता है, फोन चला रहा है, इतना नहीं कि उनको एक गिलास पानी का ला दे। जी हाँ, ये है चेंजेस मोबाइल फ़ोन के आने से। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मोबाइल फ़ोन से। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह की अगर हम हेल्प नहीं कर सकते हैं जो कि बिल्कुल हमारे पास होती है और हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, तो बस मैं उस वीडियो को देखकर इसलिए इतनी ज़्यादा मोटिवेट हुई क्योंकि बच्चे को देखकर कौन नहीं प्यार करेगा, लेकिन जहाँ मोबाइल फ़ोन देखेंगे वहाँ हम बच्चे को भूल जाएंगे। वो बच्चा रो ही जा रहा है, लिटरली वो 2 से 3 सेकंड रो ही जा रहा है, 2 से 3 मिनट ही लगा लीजिए आप, रो ही जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी, इधर मदर है इधर फादर है, बिजी मोबाइल चलाने में, बिल्कुल बिजी। देखिए ना, और यही सिचुएशन है आसपास की हमारे। जी हाँ, अभी मैं अपने आप को इसलिए क्यों इन्वॉल्व कर रही हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन क्यों चला रही हूँ, क्योंकि एक सेम घटना मेरे साथ भी हो गई। जनाब, मैं मोबाइल में इतना बिजी थी कि जिस जगह पर मुझे रुकना था उस जगह को तो मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ आई थी, है ना। यानी कि जिस लोकेशन पर मैंने रुकना था, जिस जगह पर मैंने रुकना था, वो जगह इतनी आगे चली गई थी कि मैं भूल ही गई हूँ कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मोबाइल फ़ोन चला रही हूँ। फिर मुझे उतना ही रास्ते पर पैदल चलकर आना पड़ा। किस लिए? क्योंकि आई वॉज बिजी इन माई फ़ोन, मैं अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। जी हाँ, वो चाहे मैं अपने फ़ोन में अपने लिए ही, अपने काम से रिलेटेड ही बातें खोज रही थी, सर्च कर रही थी, लेकिन जनाब मेरी आंखें मोबाइल में थी, मेरा दिमाग मोबाइल में था, लेकिन मैं कहाँ पर थी वो मैं भूल गई थी क्योंकि मोबाइल को यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही हो रहा है मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने वालों के साथ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दीजिए, मोबाइल फ़ोन ज़रूर यूज़ कीजिए। आजकल तो हम ये भी चीज़ देखते हैं कि भाई जहाँ पर एक टेबल पर सारी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती थी, वहाँ पर अब एक एक बंदा अपना अपना खाना अलग अलग ले जाता है और मोबाइल चलाते हुए खाने को एंजॉय करता है। देखिए ना, ये चीज़ें हमारी आजकल की जनरेशन में आने लग गई हैं। तो मोबाइल फ़ोन को एक आदत मत बनाइए, एक ज़रूरत के तौर पर उसको यूज़ कीजिए, उसको अपने आप पर इतना हावी मत होने दीजिए। यही थे आज के विचार जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और जाते जाते बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए और मोबाइल फ़ोन से खुद को दूर रखिए। इसी तरह देखते रहिए यस टीवी, मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ आपके अपने यस टीवी पर। आज की वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।